मथुरा में अमन चैन और भाईचारा कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा डी गेट पुलिस चौकी पर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार ने इस बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देश पर बनाई गई समिति के लोगों से अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने की अपील की। उनका कहना है कि अमन चैन शांति का पैगाम देने वाली इस मथुरा नगरी में शांति व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों की ओर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मथुरा में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुस्लिम समाज के नेता का कहना है कि अमन चैन भाईचारे का संदेश देने वाली मथुरा नगरी में शांति व अमन चैन पूरी तरह कायम रखा है। आज यहां पर कोतवाली क्षेत्र में इस चौकी पर हम लोगों की मीटिंग हुई और मीटिंग का बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो उत्तर प्रदेश जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है, यहाँ पर डीजीपी सर के निर्देश पर हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के साथ प्रत्येक जगह कमेटियों का जो गठन एसएसपी साहब ने किया है, उसी में से एक कमेटी के साथ हमारी शहर की जो मुख्य कमेटी थी उसके साथ एक मीटिंग हुई और मीटिंग का उद्देश्य था कि आपस में कहीं भी कोई अफवाह फैलाता है तो उसके बारे में पुलिस को तत्काल बताएं। और आजकल जो फेसबुक पर और डिफरेंट जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं उस पर जो अफवाह की जो बातें आती हैं, चाहे वो ज्ञानवापी परिसर को लेकर हो या अन्य किसी जगह के लेकर हो या चाहे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हो, तो कोई भी आदमी अफवाह पर नहीं जा कर के पुलिस से पहले कॉन्टैक्ट करें और इस संबंध में सभी से बातचीत की गई और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे सभी ने इस संबंध में इस बात को दोहराया कि हम लोगों को जो सभी जगह की जो कमेटियाँ हैं हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे और जो शांति का अमन का जो पैगाम है उसको हम लोग यहाँ पर मथुरा जो कृष्ण जी की नगरी है वृंदावन धाम में उसको हम लोग कायम रखेंगे। सर मुस्लिम समाज का क्या कहना था? सारे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, जितने भी लोग थे, सिख समाज, सबके साथ मीटिंग का उद्देश्य था कि शहर में शांति व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, मथुरा जी हमारी ऐतिहासिक नगरी रही है और यहाँ किसी तरह की कोई बात नहीं हो जाए। जो फेसबुक और जैसा मैंने आपसे कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर डिफरेंट जगह से लोग जो इस तरह की चीज़ों को लिखते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे और अफवाह पर हम लोगों का जीरो टॉलरेंस है। जिसके भी द्वारा किसी तरह का अफवाह फैलाने का प्रयास किया जाएगा पुलिस उस पर बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर कुछ अलग से निर्देश दिए अधिकारियों? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो MHA की गाइडलाइन से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसकी कमेटी के द्वारा बराबर मीटिंग होती है और उसको हम लोग पूरी तरह से 100% उसको हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई।